वहीं बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को आज आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने प्रहार करते हुए कहा कि अविश्वास प्रस्ताव हमारे खिलाफ नहीं बल्कि विपक्ष के आपसी अविश्वास पर प्रस्ताव है। विपक्ष का सेमीफाइनल का मन खेलने का कर रहा था जिसमें उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके, पीएम मोदी ने बैक टू बैक सियासी तीर भी छोड़े। पीएम ने कहा कि ये इंडिया नहीं घमंडिया गठबंधन है जिसमें भ्रष्टाचार परिवारवाद सब कुछ है। एनडीए ने विपक्ष पर तुष्टीकरण करने का भी आरोप लगाया। तो संसदीय दल की बैठक में पीएम के निर्देश के बाद कल से बीजेपी भ्रष्टाचार क्विट इंडिया परिवारवाद क्विट इंडिया अभियान चलाएगी। और इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने क्या कहा, सुनिए जरा। आज जो हमारी सूचनाओं के अलावा जो हमें प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला उसमें सबसे बड़ा विषय 9 अगस्त 2023 को जो हमें एक अभियान चलाना है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया परिवारवाद क्विट इंडिया तुष्टीकरण यानी वोट बैंक पॉलिटिक्स क्विट इंडिया ये अभियान हमें 9 अगस्त 2023 से चलाना है। उसमें सारे एमपी जुड़े ये प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है।